दिख रहा होगा कितना अच्छा प्रेशर। तो ये वाला अगर फैन मिल जाए तो आपको काफ़ी अच्छा है, क्या कि हवा इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं कूलर बनाएंगे, ठीक है। तो जो कूलर देख रहे हैं इसी को हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए पहले सामान जान लीजिए कौन कौन सा सामान लगेगा। तो चलिए हम इसको देखते, इसमें हम सामान ला रहे हैं कुछ। इसके लिए घास है, खास है, मार्केट में मिल जाएगा आराम से आसानी से। ये आपका उस हिसाब से रेट होता है, बड़ा लीजिएगा तो बड़ा रेट रहेगा, कम छोटा लीजिएगा तो उस हिसाब से रेट रहता है। तो ये हमको पड़ा 220 रुपये का 300 पीस। एक हमने इसका रेगुलेटर लिया जो कि फैन रेगुलेटर, इसको स्पीड और घटाने और बढ़ाने के लिए एक स्विच, दो तो स्विच लिए हैं, तो सबका यूज करेंगे। और एग्जॉस्ट फैन यूज करेंगे, जो कि एग्जॉस्ट फैन थोड़ा कॉस्टली पड़ गया क्योंकि अनदर कंपनी का है, सॉरी लोकल नहीं है, कंपनी का है। तो एंकर का मोटा मोटी 2100 रुपये हमको पड़ गया, और ये 12 इंची में है और MM इसका 300 MM में ही आ जाता है, ठीक है। तो इसका हवा भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको चेक करा दें थोड़ा सा। हवा काफ़ी अच्छा है, हम इसका यूज़ करेंगे। नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में 800 से 900 रुपये, लेकिन ये जो ब्लेड दिख रहा है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जिस हिसाब से हवा चाहिए उस हिसाब से अपना मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या काम होगा, इस जार में हमको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो घास लगाने के लिए एक चीज़ और बचा हुआ है, ये आपको जाली की ज़रूरत पड़ेगा। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से जिस साइज का आप बना रहे हैं उस हिसाब से अपना परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको कुछ नापी ले लेते हैं, हमको कितना कटिंग करना है इसको जार को। जार के अकॉर्डिंग हम नीचे छोड़ देंगे और नीचे यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर जो हमको आ जा रहा है 18 इंच आ रहा है, तो हमको 18 तक ले लें, यहाँ तक हमको कट करना है, ठीक। ऐसे हम जो उसका बनाएंगे उसका 1 इंच एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो बीच में जो ये पॉइंट है हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे पकड़ के, ताकि बीच में हमको गैपिंग छोड़ देना है, क्योंकि सपोर्टिंग के लिए चाहिए ना। तो ये जो देख रहे हैं मार्क कर लिए, ठीक है। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे वाला हम कटिंग करेंगे, ठीक। तो इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। अब बच गया मेरा फ्रंट, तो उसको कटिंग करेंगे। चलिए गारंटर चलाते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गारंटर बहुत उछलता है, तो ध्यान से कटिंग कीजिएगा, कोई तरह का हादसा ना हो, ठीक है। तो चलिए हम फ्रंट का नापी लेकर उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट को जो नापी लेना है, कैसे हमको खोल लेना है, अच्छा से चारों नट को अच्छा से खोल लेना है, और उसके बाद इसको बाहर निकाल लेना है हमको। वीडियो को पूरा दीजिए, देखिएगा लास्ट में अगर ऐसा चीज़ बता रहे हैं कि कूलर का हनीकम कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा बने रहिएगा तभी समझ में आएगा।
हमको इसको चारों नट को खोल लेना है, चारों को साइड में रख देना है। लीजिएगा जो कि हम भी मार्क कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से एकदम सेम ये नापी होना चाहिए। देख लीजिए ऐसे इंची टाइप से नाप लीजिएगा ना, तो बाद में कहिएगा से गलत आगे। देखिए 11 है, इधर भी देखिए 11, थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आधा इंची का है, चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कहीं नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पूरा डिस्टेंस इसका ले लेंगे कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 फीट है तो 2 फीट 1 इंची ले लेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक, ताकि थोड़ा बगल में भी सपोर्ट होना चाहिए। तो हमको इतना ले लेना है, यानी कि 2 फीट 1 इंच, और हाइट में है, हाइट में 1 फीट 4 इंच है, तो हमको 1 इंच ऊपर से 1 इंच दो, मतलब 18 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है, 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखना है, ताकि पानी जो भी होगा सब नीचे जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी नापी ले लेते हैं। 1 फीट 6 इंच ले लेना है। आप भी इसी नापी से एकदम काट लीजिएगा, एकदम करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से काट लेना है। तो चलिए हम इसको एक और कटिंग कर लेते हैं। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या तो आप खोल के भी रख सकते हैं। तो ऐसे रखने से बढ़िया रहेगा, अपना डायरेक्ट अच्छा से बैठ जाएगा, ठीक है। तो एकदम सेम साइज आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे ऐसे 2 ठो रख दें, थोड़ा मोटा थोड़ा ओवर साइज हो जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, क्या अंदर भी थोड़ा छोटा साइज लगेगा। पकड़ के तार से बांध लेना है अच्छा से, जगह बाई जगह, ताकि मतलब खस जो है तो घस के नहीं। इसको जो है एकदम इसी तरह देखिए, इसको इसमें जितना है स्क्रू कस दिए हैं, ताकि प्रॉपर अच्छा से पकड़ ले, ताकि ये मेरा नीचे ना जाए, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार स्क्रू को कस दीजिएगा अच्छा से। तो इधर देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग उतर गया है, फिनिशिंग दिख रहा होगा कितना अच्छा फिनिशिंग है ये। तो चलिए इसको हम पाइप को एडजस्टिंग करते हैं। पाइप को ऐसे करके लगा देना है, फंसा देना है इसमें, तो इसमें पाइप प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो गया है। अब हमको बचा फैन लगाने का और मोटर डालने का और स्विच और रेगुलेटर लगाने का, तो चलो लगाने का काम करता है, और एक स्विच का यूज़ करेंगे। तो आप स्विच भी लगा सकते हैं और रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक पानी वाला मोटर है जो समरसेबल है, ये आपको मार्केट में 250 से 300 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। सब रेंज का आता है, 100-150 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लगाते हैं और कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन कैसे करना फिर आपको बताते हैं। हमको इसके अंदर घुसा देना है, ठीक है। इसके अंदर घुसा देना और इसको हमको अंदर छोड़ देना है, और इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ खास नहीं, विशेष भी नहीं है,
ये सब मैं आपको कनेक्शन बता दूँ। इसका जो कनेक्शन है देखिए, करना कुछ नहीं, इसका जो एक पॉइंट आ रहा जो फेज वाला, हम इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार फैन में भी होता है, ठीक है। और ये का जो पॉइंट बचेगा हमको, एक हमको न्यूट्रल से कनेक्टेड कर देना है। एक न्यूट्रल इसका हो गया, एक न्यूट्रल इसका हो गया पानी वाला मोटर का, ठीक है। फेज हम यहाँ पर एक कनेक्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर जो है इसको हम सुई से कनेक्शन कर देना पानी पानी वाले मोटर। उसको हम टेपिंग कर देंगे अच्छा से, और इसको यहाँ इसको ये यहाँ कनेक्ट कर दिए, सॉरी सब तरीके से। यहाँ जो कनेक्शन करना है, ये पानी वाला जो मोटर है हम उसको सुई से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको इसमें इसको कनेक्ट कर देना है। अच्छा से टाइट कर देंगे, लूज कनेक्शन ना हो। इसको टाइट कर दिए, और इसको यहाँ पर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कि इसको इसमें कनेक्ट कर देना है, जो कि अच्छा से कर देना है ताकि छूटे ना। और ध्यान देना है से कहीं सटना भी नहीं चाहिए, कहीं सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर एक गिरा बांध लेना है ताकि दिक्कत ना हो। एक सप्लाई हमको इस पर दे देना है रोटरी का, जो है जो फ्लैट फेज पे दे देना है, और एक न्यूट्रल पे दे देना है। एक इसको यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से न्यूट्रल इसको भी दे देना है। समझ में नहीं आ रहा तो सही से समझ लीजिए, देख लीजिए। समझ लीजिए एक बार, जो फेज हमारा आ रहा है, मतलब ठंडा गर्म जो पोल पर से यानी कि बोर्ड से आ रहा है, फेज को यहाँ दे देंगे, एक रोटरी पर दे देंगे, ठीक है। एक हम रोटरी पर दे दिए, और दूसरा न्यूट्रल जो है हम दोनों को डायरेक्ट दे देंगे, बाईपास कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता है। तो चलिए इसमें हमको इसमें टेप लपेट देते हैं। इसको साथ में सबको ये कर देते हैं ताकि पानी उनी इस पर ना पड़े, करेंट ना आए। ध्यान रखना इसमें भी ये ना सटे, तो इसके लिए हम इसको नहीं होता तो एक जगह और यहाँ पर टेपिंग कर देते हैं ताकि चालू आवर उसमें ना सटे। इस सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो छोटा छोटा गलती के कारण। चलिए हम इसको लाइन में लाइन देकर देखते हैं। तो हम इसमें लाइन दे दिए, रोटरी घुमा कर देखते हैं कि यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी एक नंबर पे चल रहा है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, चार नंबर पर। अब आप हम गैस करा देते हैं। पानी क्वालिटी और स्पीड की पानी स्टार्ट हो गया, अच्छा से चला। अभी देख रहे हैं, पूरा देख लीजिए, तब तक पानी चुने लगा कूलर का ही। ये मेरा कंप्लीट कूलर हो चुका है, ये रहा ये मेरा कूलर। अभी तकरीबन टोटल खर्च इसको 3000 के करीब में आ गया, जो कि मोटर हैवी लगा हुआ है। नॉर्मल मोटर यूज कीजिएगा तो आपको 2000 के करीब में आ जाएगा, अगर बढ़िया यूज़ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है बजट तो बढ़ेगा ही कोई भी चीज़ में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।